आज की वीडियो में हम LIC के न्यू टर्म प्लान जीवन किरण 870 की जानकारी को समझेंगे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित्राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी LIC के जीवन किरण प्लान नंबर 870 की। ये प्लान एक सेविंग टर्म प्लान है, या कहें कि सेविंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में समझा जाए, हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उसके आधार पे हमें यहाँ पे जीवन बीमा देगी, यानी कि लाइफ कवर देगी। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाएगी तो हमारे नॉमिनी को एक निश्चित अमाउंट पे किया जाएगा, और अगर हम पॉलिसी टर्म के एंड तक सर्वाइव कर गए तो एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म हमें एक लमसम अमाउंट यहाँ पे दे दिया जाएगा। राइट, वो क्या होगा आगे चल के हम जानेंगे। अभी हम बात करेंगे LIC जीवन किरण प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संबंध में। अगर आप जीवन किरण प्लान को लेना चाहते हैं तो प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल से लेकर 65 साल है। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 28 साल से लेकर के 80 साल का। पॉलिसी टर्म आपको कम से कम 10 साल और अधिकतम 40 साल का मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर पे एंड सिंगल पे। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करना। बात करें मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की तो सिंगल प्रीमियम का लिमिट है 30,000 रुपए कम से कम, और रेगुलर प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो सालाना कम से कम 3,000 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा, उस हिसाब से आपको कवर अमाउंट लेना होगा। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो यानी कि वन टाइम पे करेंगे यानी कि सिंगल प्रीमियम, सालाना और छमाही मोड ऑफ प्रीमियम आपको इस प्लान के साथ में मिल जाते हैं। सीधा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे बेनिफिट की, तो टर्म प्लान में सबसे पहले क्या देखते हैं, डेथ बेनिफिट। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेंगे तो आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 7 गुना निकाला जाएगा, फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा, टोटल पेड प्रीमियम में से टैक्स और राइडर जो अगर आपने ऐड किया होगा उसको घटा देंगे, फिर उस प्रीमियम का 105% निकालेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे बेसिक सम मेजर से, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा, वो नॉमिनी को पे किया जाएगा। अब देखिए ज्यादातर कंडीशन में बेसिक सम मेजर ही ज्यादा होता है, राइट, नॉर्मली। और आप चाहें तो आपके नॉमिनी डेथ बेनिफिट को 5 साल किस्तों में भी ले सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ऐसे में डेथ बेनिफिट आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना या फिर आपका जो बेसिक सम अशोर्ड होगा वो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट सिंगल प्रीमियम के केस में, जो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी सम अशोर्ड आपको मिल जाता है, या कहें कि सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी, राइट, कह सकते हैं माइट बी। लेकिन मैच्योरिटी सम अशोर्ड का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कि जितना भी बेस प्रीमियम पे किया है आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान वो आपको वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। ओके, अब अभी ये प्लान नया है, इस वजह से इसके सरेंडर वैल्यू का जो टेबल है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट किस तरीके से उसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे भी अभी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही उपलब्ध होगी अगले भाग में हम एग्जाम्पल के साथ में सारी चीजें और समझेंगे। तो एक क्विक अलर्ट हमने आपको दे दिया इस प्लान से संबंधित, आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे जिससे कि अगले भाग में आप इसके सरेंडर वैल्यू और पेड अप पॉलिसी के बारे में जान सकें, वो भी उदाहरण के साथ। अब एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, जानकारी क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।